हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं ईएपी का यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड वाली वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आज की जो भी वीडियो अपलोड की गई थी, आज के ट्रेड के लिए जो भी लेवल दिया गया था, उससे आप लोगों को मजा आया होगा काम करके। जैसा कि जिगर जी ने अपडेट कराया था कि टॉप से उन्होंने 600 पॉइंट जो है गेन किया था बैंक निफ्टी के कॉल में, और आज का जो हमारा गेन है बैंक निफ्टी में सिर्फ 2000 पॉइंट का होता है। टॉप से जो रेजिस्टेंस दिया गया था, एज पर रेजिस्टेंस जहां से हम लोग देते हैं कि इसके आसपास आप छोटे से सेल हासिल कर सकते हैं, वहां से 2000 पॉइंट का फॉल हुआ था। इसके अलावा लाइव में कैडिला सेल दिया गया था दो बार। पहली बार अवॉइड दिया गया, सेकंड टाइम जब कंफर्म हो गया तो फिर से सेल दिया गया था, और उसने जो है टॉप से 4% की फॉल दी। तो दो कॉल जो है बेहतरीन रही। साथ में निफ्टी का एक बार बाई जिसमें 50 पॉइंट का गेन मिला था वन साइडेड में लेवल के ब्रेक होने के बाद, एंड कॉन्ट्रा अगेन निफ्टी अपने ही रेजिस्टेंस से फिर से गिरी वहां से, तो निफ्टी में भी 150 पॉइंट बनते हैं। तो ये सारा जो है आज का ट्रेड स्नैपशॉट था जो हमारी तरफ से एडवांस कॉल कल दी गई थी उसका जो है प्रॉफिट था। सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान देने योगी यहाँ पर ये है फ्रेंड्स, ये जो हमने लेवल दिया, जो भी कॉल दी, सारे एडवांस थे, मार्केट ओपन होने से पहले दिया गया। आप सोचो, और जैसा दिया गया वैसा मार्केट में फॉलो अप हुआ। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में जो है आना चाहिए कि क्या जो है इस कॉल की पावर है, और यही हम अपने क्लासेस में जो है सिखा रहे हैं, ताकि आप जो है सीख सको और आप सीख के खुद से ट्रेड कर सको। आज आप चैनल पे देखो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आज सारे बड़े स्नैपशॉट शेयर किए हैं, मैंने बहुत छोटे छोटे स्नैपशॉट शेयर किए हैं चैनल पे। आज सबसे बड़ी चीज है, सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ एक ट्रेडर है जिन्होंने अपडेट कराया कि उन्होंने 5000 से स्टार्ट किया। आप लोग पूछते हो ना कि सर कितना कैपिटल चाहिए ज्वाइन होने के लिए, आपका रिप्लाई चैनल पे पढ़ा हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे विजिट कीजिए, पढ़िए। 5000 से स्टार्ट किया और कैपिटल आज 17000 के करीब है, और कई सारे स्टूडेंट ने अपने कैपिटल को डबल कर लिया छोटे से कैपिटल से स्टार्ट करके। ये किसकी पावर है, ये आप लोग समझने की कोशिश करो। ये सिर्फ लर्निंग की पावर है, ये एक एजुकेशन की पावर है। एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है कि आपको उठा के जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है, और अगर आप बिना एजुकेशन के कोई भी काम करोगे तो आपको आसमान से उठा के जमीन में पड़ देगी। तो इसलिए मैं बार बार मैसेज करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि सीखिए, बिना सीखे जो है ट्रेड मत कीजिए। बिना सीखे अगर आप ट्रेड करेंगे तो कोई भरोसा नहीं है क्या होगा क्या नहीं, लेकिन सीख के ट्रेड करेंगे तो सेफ रहेंगे। और आज से मैंने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया, अपने हर स्टूडेंट को मैं लाइव में बैंक निफ्टी में कॉल देने जा रहा हूँ ब्रॉडकास्ट के थ्रू। जो भी मेरे स्टूडेंट है वो नया, तो जिन्होंने भी मेरे मैसेज को पढ़ा होगा वो मेरे को पिंग कर देंगे। जो भी मेरे स्टूडेंट है उनके लिए मैसेज है, बाकी जितने लोगों ने मुझे पिंग किया सबको मैंने ऐड कर भी दिया है। कल से कॉल जो है स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट बैच है वो हमारा जो प्लान्ड हो गया है 13 मई से, और उसकी जो बुकिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी कल से। तो आप एडवांस में सिर्फ 500 रुपये पेमेंट करके आप अपनी सीट जो है बुक करा सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड है, जिन्होंने अभी इस बैच को मिस किया, वो अपने सीट को बुक करा सकते हैं, और बुक करा ले आराम से, क्योंकि इस बैच में भी लास्ट में कुछ लोग आए थे तो मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि मुझे हर एक स्टूडेंट पे फोकस करना होता है। कई लोगों ने कल यूट्यूब पे वीडियो डाला था कि कल मार्केट खुलते ही क्रैश हो जाएगा, मार्केट खुलते ही गिर जाएगा, क्या करें, और आप लोगों ने देखा कि मार्केट ने कैसे आज बिहेव किया। मैंने क्या बोला था कल क्लियर कि जैसा आप सोच रहे हो FII को भी पता है मार्केट गिरना था, ये भी मैंने बताया, लेकिन तब गिराया जाएगा जब आपको लग जाएगा कि मार्केट अब बुलिश हो गया है। जब सबको लग गया कि मार्केट ने सारे लेवल को तो ब्रेक कर दिया, सब मीडिया मेरे यहां तक आ गया, और वहां से मार्केट को पटक दिया गया। कैसे पटका गया, रिजल्ट सामने है, और यही लॉन्ग टर्म में भी होने वाला है। और साथ में मैंने एक और मैसेज दिया था, जिन लोगों ने भी इस फॉल में छोटे मोटे प्रॉफिट कमाए हैं, सीख के काम कीजिए, अदरवाइज मार्केट ले लेगी, और वो हो रहा है। और खुद आप देखोगे थोड़े दिनों में बाद मेरे पास मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे कि यस सर, मैंने जो भी एक महीने में कमाया था वाइप आउट हो गया। तो बिना सीखे ट्रेड से यही होगा। तो जो कल मार्केट पे स्क्रिप्ट लिखा गया था मार्केट ने बिल्कुल वैसे फॉलो किया। अगर फॉलो नहीं किया हो तो आप यूट्यूब में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि यस सर आप सही नहीं बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने जैसा बोला था वैसा मार्केट ने बिहेव नहीं किया। मैंने जो बोला था पूरे दिन मार्केट ने वैसा काम किया या नहीं किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में चोलामंडलम फाइनेंस को जो है सेल दिया गया था, उसमें सिर्फ 3 से 4 पॉइंट मिले थे। हर एक कॉल जो है प्रॉफिटेबल होती है, तो जितनी भी कॉल दी गई थी सारी प्रॉफिटेबल रही। ओके, तो अब बात करते हैं कल के ट्रेड की। सबसे पहला जो कल के लिए कॉल है वो है ग्लेनमार्क फार्मा। ध्यान से सुनिएगा, आज भी मैंने कॉन्ट्रा कॉल दिया था बट बहुत ज्यादा गैप अप हो गया। बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर है, वही अगर ट्रेड लिया होंगे तो उनको प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि जिस लेवल के ऊपर मैंने बाय दिया था उसी लेवल के ऊपर ये ओपन हो गया था, काफी हैवी गैप अप था, तो हमारी तरफ से तो इनवैलिड था ये। कल का जो स्मार्ट रेजिस्टेंस है 3 to 5, आपको मॉनिटर करना है मार्केट सेटल होने के बाद, 940 के बाद, 930 के बाद, अगर ये 3 to 5 के नीचे ट्रेड लेने लगा, उसके नीचे बना रहेगा तो आपका सेल कन्फर्म हो जाएगा बिल्कुल क्लियर कट में 3 to 5 के नीचे, और आपका सिर्फ 3 से 4 पॉइंट का SL होगा। नेक्स्ट जो कॉल है वो है मुथूट फाइनेंस।
मुथूट फाइनेंस का सेल रेजिस्टेंस दिया 699। इसका मतलब ये है कि मुथूट फाइनेंस कल की ट्रेड में एक बार ऊपर तक आएगा। जैसे ही 699 के नीचे ट्रेड लेना स्टार्ट करे, कंफर्म हो जाए कि अब ये 699 के नीचे बनना स्टार्ट हो गया, तो आप आराम से सेल कर सकते हो विथ स्मॉल सेल। नेक्स्ट जो है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 20,051 और सपोर्ट है 17,640। 20,051 एक रेजिस्टेंस है कि अगर इसके आसपास मिलेगा तो यहाँ पे वही जो हमारा छोटा मोटा एसएल होता है उसके साथ सेल कर सकते हो। अदरवाइज आपको दिखे कि अगर 19,000 के नीचे प्रॉपरली सस्टेन लेने लगे और गैप डाउन के बाद भी 19,000 के नीचे अगर आपको दिखता है तो आप वहां से भी सेल के लिए जा सकते हो। वहां पे प्रॉफिट थोड़ा क्विक बुक करना, फिर सेटल होने के बाद भले दोबारा सेल कर लेना या तो आप सेल करके अपने सीडीसी के साथ उसको होल्ड करना। तो ये होगा बैंक निफ्टी का लेवल। नेक्स्ट है निफ्टी। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 9060। आज की क्लोजिंग आई है 8940 की और स्मार्ट सपोर्ट है इसका 8440। बीच में एक हर्डल है 8700, इसको भी निफ्टी जो है जो सपोर्ट ले सकता है, बट ये बाउंस के लिए होगा। यह हो सकता है कि यहीं पे क्लोजिंग आ जाए और 8700 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज लेता है तो एक और भी सेकंड सेल सिग्नल की जो है कंफर्मेशन आ जाएगी। और रेजिस्टेंस 9060। अगर 9060 के ऊपर स्टक होता है तो आप यहाँ पे छोटे से सेल के साथ सेल कर सकते हो, ये वो वाला रेजिस्टेंस है। अदरवाइज अगर आप 8920 के नीचे स्टार्ट कर दे ट्रेड लेना, अगर आप 8900 के नीचे भी ट्रेड लेना स्टार्ट कर दें तो वहां से भी सेल के लिए जा सकते हैं। साथ में मैंने आज ये भी बोला था कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो आफ्टर 1 o'clock जो है कन्फर्म होगी। आप लोगों ने देखा कि 1 o'clock तक कैसे जो है मार्केट को जो है दोनों साइड जो है हैंडल किया गया, मैनेज किया गया और 1 o'clock के मीटिंग के बाद मार्केट जो है वन साइडेड फॉल हो गई। उम्मीद करता हूँ कि इस लेवल से इस व्यू सेल्फ हुआ होगा। आज की वीडियो काफी शॉर्ट में है क्योंकि मैं वीडियो देने वाला नहीं था, बट मुझे पता है कि कई लोग वेट कर रहे होंगे वीडियो के लिए, थोड़ी देर बाद मैसेज आने लगेंगे व्हाट्सएप पे, तो मैंने एक शॉर्ट में वीडियो बना दिया ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर आप लोगों को लगा हो कि काम जो है सराहनीय है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं टाइम नहीं रहेगा तो भी शॉर्ट टर्म में वीडियो देने की कोशिश किया करूंगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके कमेंट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।